जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं दूसरी राधा, कृष्णप्रिया, कृष्णानंद, पूर्व में डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस। मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी का कल्याण हो, सबको आशीर्वाद। आज हमारे चर्चा का विषय शबरी, शबरी जी हैं। ये रामायण का दूसरा प्रसंग है। पहला प्रसंग हमने इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे उसमें बताया था, वो अहल्या के बारे में। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी। अहल्या का शारीरिक संबंध इंद्र के साथ स्थापित हुआ था, उसके बारे में पहला रिकॉर्डिंग हमने किया है। तो कथावाचक लोग, जो प्रवचन करने वाले लोग होते हैं भागवत महापुराण आदि का, वो कुछ बातों को सही नहीं बताते हैं, और वो आम भक्तों में या लोगों में जो प्रचलित हो जाता है उसी को ही दोहराते रहते हैं कि जैसे कि अहल्या का कोई दोष नहीं था, वो धोखे में इंद्र क्योंकि मुनि का वेश धारण करके आया था, इसलिए उसके साथ वो संभोग कर लिया, और उसका कोई अपनी तरफ से कोई पहल नहीं थी। बल्कि वो गलत प्रमाणित कर दिया उस वीडियो में कि नहीं, ये सही नहीं है। शास्त्र जो है वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट दिया गया है कि अहल्या जानते हुए भी कि ये इंद्र है, उसके साथ संभोग किया अपना अवभाग्य समझ करके कि साक्षात इंद्र मुझे पचाते हैं, मुझे पसंद करते हैं। स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा कोई यदि कर दे तो स्त्री गदगद हो जाती है और अपना सब कुछ खोल देती है। तो उसी तरह का दो प्रकरण और हैं। एक तो शबरी के बारे में कि शबरी ने झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाया। राम और लक्ष्मण दोनों गए थे, उनको झूठे बेर खिलाया, चख चख करके अपने चख लेती थी, फिर मीठा हो तब खिलाती थी भगवान को, ऐसा एक मान्यता बन गया है, और उसके कई गीत उत भी गाने लग पड़ते हैं, वो सही नहीं है। भगवान की उपासना करने में सत्य को आधार बनाना ही पड़ता है, उसमें कोई आडंबर करना या कोई मिथ्या व्यवहार करना भगवान कदापि पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए जो इस बात को इस तरह के करते हैं उनको, उनका वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। अहंकार पूर्वक की हुई पूजा उपासना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो व्यर्थ जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है स्पष्ट रूप से। तो शबरी के बारे में भी इसी तरह की है कि झूठा बेर खिलाया। तो वो वाल्मीकि रामायण, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वाल्मीकि रामायण जो है ये ऑथेंटिक है, मतलब प्रामाणिक ग्रंथ है और इतिहास है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दो खंडों में है, एक ये है और एक ये है, दो खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित हुआ है, और ये इसका अध्ययन भगवान कराए थे साधना काल में, तो वो सब स्मरण रह जाती हैं भगवान की कृपा से, उस स्मृति में संचित हो जाती हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं बहुत दिनों से इस बात को जब सुनती थी कि शबरी झूठा बेर खिलाई, ऐसा गीत गाते थे भक्त लोग, मैं हंसती थी। मैंने कहा कि देखो कैसे एक मान्यता बन जाता है, उसी को रटते रहते हैं ये लोग जो है आगे पीछे, कोई शास्त्र पर नहीं जाता है, कोई स्वाध्याय करने को किसी के पास फुर्सत नहीं है। अगर असल वक्त है तो उसमें जाना पड़ेगा, स्वाध्याय भगवान का संकीर्तन का एक स्वरूप है, स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। जो भी साधक है भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो स्वाध्याय, अगर पढ़ा लिखा है तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, उसको करना चाहिए, वो बाध्यता मूलक है, उसमें कोई चुनाव करने की बात नहीं है। तो ये वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का चतुस्सप्ततितम सर्ग, मतलब 74वां अध्याय, उसको सर्ग कह रहे हैं, अध्याय समझ लें जैसा भी। तो 74वां सर्ग में ये शबरी का प्रकरण आया है। इसमें शीर्षक इसका है श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना,
और सबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना, मतलब सबरी प्रतीक्षा कर रही थी भगवान का कि वो आए तो उनका दर्शन करके फिर मैं शरीर छोड़ दूं और अपने धाम अपने लोग जहां मैं जाना चाहती हूं वहां चले जाऊं। कहां जाना चाहती थी? उसके जो वहां पे गुरुजन थे, गुरु लोग थे, वहां पर जो ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, वो उन सब के सबको वो सेवा करती थी और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी सेवा करते करते वो ज्ञान प्राप्त किया है और सदाचार में रहते हुए वो एक आध्यात्मिक जीवन जीने लग पड़ी थी बहुत समय से। तो उन गुरुजनों ने अपना शरीर त्याग करके अपने अपने चले गए धाम में, जिस धाम में गए वहां ये जाना चाहती थी, इसका ये इच्छा थी और उसी में वो भगवान आएंगे। उनको उन गुरुजनों ने ना बता दिया था कि भगवान श्री राम यहाँ पर आएंगे तो उनका सत्कार करना और फिर आना ऐसा। तो उसमें ये श्लोक संख्या 6, 74वां सर्ग और 6ठा श्लोक कह रहे हैं, सबरी सिद्ध तपस्विनी थी, उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सबरी कोई वो जो वर्णाश्रम धर्म है तो चारों वर्णों के से बाहरी वर्ण का वो अछूत है, एक तरह से उस जाति का वो है, निम्न जाति का स्त्री है, परंतु वो सिद्ध तपस्विनी हो चुकी थी। सबरी अपने तपस्या के बल पर वहां अपने गुरुजनों की कृपा से वो सिद्ध तपस्विनी बनी हुई है, तो अपना जाति की सीमा को लांग गई थी, उसके ऊपर उठ गई थी और सभी जातियों से ऊपर उठ गई। उसके बाद वो भगवान राम और लक्ष्मण का पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि जो औपचारिकताएं होती हैं ऐसे पूजा करने की, जो भी अतिथि आते हैं भगवान जब आए हैं तो उनका ये सब सत्कार वो कर रही है, इसको सत्कार कहते हैं। उसके बाद भगवान राम उसको पूछ रहे हैं, 2-3 प्रश्न पूछे हैं। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? ये सिद्ध जो व्यक्ति हो जाता है, जैसे हमारी स्थिति है भगवान की कृपा से, तो मुझे भी भगवान चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं इसलिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ रहते हैं भगवान। क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली? कि हाँ, हमने सारे विघ्नों पर प्राप्त कर लिए, हमने भी कर लिए, सबरी ने भी कर लिए। हमने कैसे कर लिए? ये देखे ना, जैसे 2005-2006 में दूरसंचार जो ये कहते हैं क्या, दूरदर्शन टेलीविजन चैनलों पर कैसे प्रतिकूल टीका टिप्पणी करते रहे, वैसा मुझे बताया गया। मैं तो देखती नहीं थी, लेकिन मैंने मुझे बताया, कोई कहता है पागल है, कोई साइकेट्रिस्ट को बुला के उसका इंटरव्यू ले लेते थे कि हाँ ये इसका बिहेवियर जो है व्यवहार बहुत एबनॉर्मल है और पागल जैसा है, इस तरह की कुछ बातें लोगों ने क्या उपहास उड़ाया है, बहुत आजीव होकर के क्या है, नाच रहा है, क्या कर रहा है, औरत बन गया है कि आदमी बन गया है, क्या बन गया, तो विक्षिप्त मस्तिष्क वाला हो गया है उसका, तो इस तरह के बहुत निंदाजनक अपमानजनक बातें किए हैं और कुछ लोगों ने तो मारने पीटने तक की धमकी भी नहीं डाले अपने तरफ से लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, हम विजय प्राप्त कर लिए। ये सब विघ्न है, ये सारे विघ्नों पर हम विजय प्राप्त कर लिए, किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। तो जो भी सिद्ध तपस्वी नहीं होता है वो तपस्वी नहीं, हम तपस्वी, हमारा 12 वर्ष तपस्या हुआ है, उसका कितना वर्ष हुआ है सिद्ध लिखा नहीं है, लेकिन अनेक वर्षों से वो तपस्या कर रही है। तो सिद्ध तपस्वी ने विजय प्राप्त करना चाहिए सारे विघ्नों पर, जितने भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो सबको एकदम दरकिनार करके वो आगे बढ़ जाएगा भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से। यहाँ भगवान की कृपा वाली बात तो भगवान स्वयं तो नहीं कहते हैं, बड़े संकोची भगवान है भगवान श्री राम जो है बाहर निकल करके अपनी बड़ाई नहीं करते हैं बिल्कुल, वो अपना कोई भी बड़ाई करनी हो तो अपने भक्तों की बड़ाई करके उसको निपटा देते हैं, उनको खुश करते रहते हैं। तो भगवान कह उससे पूछ रहे हैं, तो वो आगे जवाब देगी, बड़ा सुंदर जवाब। दूसरा प्रश्न किए, तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे मिट तो जाते हैं ना, तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना,
तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गया है ना। हाँ देखिए भगवान अपने आत्मीयता का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सब हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं है। फिर पूछ रहे हैं हाँ ये पूछ लिए जितना चार प्रश्न पूछना। उसके बाद सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, देखिए कितनी बड़ी बात है, महिमा इसका बता रहे हैं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। वो तो सिद्ध तपस्विनी कह दिया उस सबरी को, आगे अभी ये कह रहे हैं ये दसवें श्लोक में जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, मतलब ये सिद्ध खाली क्या थी, जो और सिद्ध लोग थे वहां पर वो इनकी पूजा करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसको मान देते थे, उसको महिमा मंडित करते थे और कहते थे ये बहुत ऊंची हस्ती है, इसको ऊंचा पद देते थे, ऊंचा स्थान देते थे। ये तरीका है, चाहे संसार के समाज में कहिए, चाहे तपस्वियों के समाज में जो है कौन श्रेष्ठ तपस्वी है ऐसा भी एक बनता है, वहां पर बात बनता रहता है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसमें कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ ऐसा होता नहीं है असल में, परंतु फिर भी कुछ संस्कारों के कारण, कुछ विशेष ज्ञान के कारण, विशेष बातों के कारण कोई उनमें से कोई और चमकता, कोई आचार्य बन जाता है जो विद्या सिखाने में पारंगम होता है, दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है। सब लोग विद्या आचार्य का काम नहीं कर सकते हैं, सिखाने का काम अलग तरीके का विशेषज्ञता है। तो कोई ऐसा होता है कोई ज्ञान में है, कोई भी बात पूछिए वो फट से उसका बता देगा, समाधान कर देगा कोई भी शंका, तो उसका स्थान उस हिसाब से होता है। तो इस तरह से सिद्ध भी उसको नमस्कार करते थे ऐसा समझ लीजिए। और उत्तर सुनिए क्या कह रही है, कहिए रघुनंदन आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपने तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। शास्त्र तो कह दिया कि उसको सिद्ध तपस्विनी है बोल के, लेकिन ये हम्बल है, ये भगवान के सामने अपने महिमा को बढ़ा करके नहीं कह रही है। तो क्या कह रही है कि आप ही की कृपा से आज मेरा तपस्या सिद्ध हुआ आज। तो ये असल भक्त का ये लक्षण है कि अपने किसी भी बात के लिए अपना कोई चीज मैंने किया बोल के नहीं कह सकती है। डीके पंडा भी कभी नहीं कहा, साधना के समय में भी नहीं कहा, आज दूसरी राधा भी कभी नहीं कहती है कि मैंने ऐसा किया बोल के, सब भगवान की कृपा से होता है। तो ये एक असल तपस्विनी का लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। अगर आप ना आते तो मेरा अधूरा रह जाता, ऐसा कह रही है एक प्रकार से, आज मेरा जन्म सफल हुआ है और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी आज ही सार्थक हुआ है। भगवान ने पूछे थे कि जब गुरुजनों की पूजा सेवा किए हो वो सफल हुआ है ना, तो वो कह रही है हम भक्त भक्तिनी जो है विनम्र होकर के कह रही है कि आज सफल हुआ है, आपके आने के बाद, आपके आने से ही वो सफल हुआ है। कितना सुंदर, कितना सुंदर, मेरा अपना अनुभव है साधना काल का, इसलिए मैं इसको पूरा समझ पा रही हूँ कि कितना उसकी अच्छी स्थिति थी सबरी की, जिसको कहते हैं कि झूठा बेर खिलाती थी, कि जैसे कि कोई नासमझ औरत हो, बुढ़िया हो, निम्न जाति का हो, कुछ समझती नहीं है, कोई संस्कार नहीं है उसके अच्छे, एकदम मूर्खामी वाली बात है ये। वो एकदम सुसंस्कृत व्यक्ति थी और व्यक्ति विशेष थी, महापुरुष थी। फिर कह रही है बारहवें श्लोक में, पुरुष प्रवर श्री राम आप देवेश्वर का यहां सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। थोड़ा सा
उसने हिम्मत आया कहने की, वो अपना थोड़ा सा भगवान की अनुमति से कह रही है कि आपके यहाँ जो सत्कार हुआ है, मैंने किया नहीं कह रही है, मैंने आपका सत्कार किया नहीं कह रही है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है, मैं भी नहीं कर सकती, मैं पता लगता है मुझे मैं कहने से, जो लोगों से बातचीत होती है संसारी लोगों से, जब भी मैं कहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग मैं मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये डीके पंडा को समझते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं बोल के, वो सही नहीं है स्थिति, इसलिए वो कह रही है जो आपका सत्कार हुआ तभी इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब तो मुझे आपका धाम तो मिल ही जाएगा। वृद्ध स्त्री है, काफी उम्र की है, काफी अनुभव है, और फिर कह रही है 13वें श्लोक में, सौम्य मानव आपकी सौम्य दृष्टि पढ़ने से मैं परम पवित्र हो गई, शत्रु दमन आपके प्रसाद से ही अब मैं अच्छे लोकों में जाऊंगी, ये आपका दर्शन करने से, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने से मैं पवित्र हो गई, ऐसा कह रही है। और ये दृष्टि की बात भगवान मुझे भी वो शक्ति दिए हैं और ये बात बता दिए हैं कि मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरा स्पर्श, ये सब जो है कल्याणकारी है, मेरा दर्शन कल्याणकारी है, ऐसा मुझे बताए हैं भगवान। तो ये भगवान को वही बात कह रही है कि आपकी दृष्टि पड़ने से मैं पवित्र हो गई, पवित्र तो वास्तव में पहले से हो चुकी, भगवान की कृपा से ही पवित्र पहले हो चुकी है, लेकिन ये कहने का एक तरीका है, एक भक्त विनम्र होकर के भगवान को सारा श्रेय भगवान को देता है कि भगवान आप ही, वास्तव की कृपा यही है, भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता है, पुरुषार्थ भी भगवान की कृपा से होता है और प्राप्ति भी भगवान की कृपा से होता है, तो अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है जीव का। तो अब कह रहे आप ही के प्रसाद से अब मैं ऊंचे अक्षय लोक में जाऊंगी, अक्षय लोक जहां वो जाना चाहती है, जब फिर अपने गुरुजनों के बारे में बताइए कि कैसे वो अपना सब जब उनका तपस्या से पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, तो कैसे वो अपना अपना शरीर छोड़ करके अपने लोक में चले गए हैं और वहां मैं जाऊंगी उनके पास। ये 18वें श्लोक में कह रहे हैं, ये रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि 18वें श्लोक, सबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी, सबरी होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, भले ही जाति में वो उच्च जाति की नहीं थी, तो जाति के बाहर की स्त्री थी उसका जन्म जो हुआ था, परंतु विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मतलब परमात्मा संबंधी ज्ञान में वो बहिष्कृत नहीं थी, मतलब वो अंदर ही थी, उससे अलग नहीं थी, बाहर नहीं थी उससे, मतलब उस ज्ञान से वो ओतप्रोत थी, डूबी हुई थी उसमें। कह रहे हैं उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था, कौन है बिरला कोई ऐसा ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जैसा सभी थी जिसमें, तो परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था, ये नित्य होता है, हमारा जो ज्ञान भगवान दिए हैं भगवान की प्राप्ति होने पर ये हमेशा रहेगा और इसमें कोई कम बेसी भी नहीं होता है और ये परमानेंट है, स्थाई है, हमेशा के लिए, मतलब शरीर छूटने के बाद भी ये हमारे साथ रहेगा, फिर पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, तो हम उसी ज्ञान में उसी स्वरूप में रहेंगे फिर। तो उसके बाद भगवान राम ने उससे कहा कि ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरुजन यहाँ पर बड़े बड़े अच्छा चमत्कार किए थे और सब मैं वो सब देखना चाहता हूँ थोड़ा, तो सभी भगवान को ले गई रात दोनों भाइयों को और सब दिखाइए, खुद घूम घूम करके दिखाइए, बता बता करके दिखाइए और सब। उसके बाद जो है ये भगवान राम कह रहे हैं उसको 31वें श्लोक में, भद्रे तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। अब भगवान उसको अनुमति दे कि अब तुम जाओ, जिस लोक में जाना चाहो जाओ, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुमसे, तो कृपा कर रहे हैं भगवान उसके ऊपर। तो श्री रामचंद्र जी के
उसके बाद 32, 33 और 34 श्लोक इकट्ठा है। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। अपने जो जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था का शरीर था संसार का, और सर में जटा, जटा धारण करना मतलब स्त्रियां जटा धारण करते हैं, ये पहला मामला हमारे सामने आ रहा है। ये तो किसी स्त्री का जटा था ये मुझे शास्त्र में अन्यत्र कहीं नहीं मिला। जो पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी उसमें भी उसका जटा नहीं था, जटा नहीं हुआ था, लेकिन ये जटा धारण करना तो कितने निष्ठा निश्चित तपस्विनी होगी आप कोई भी कल्पना कर सकता है। और कितनी बड़ी स्थिति उसकी है, ऊंची स्थिति है इसका। अपने को आग में प्रवेश करा दिया और उस होम करना उसको कहते हैं, होम यज्ञ, आहुति देना, अपनी आहुति देना, शीर्षक में आहुति शब्द का प्रयोग हुआ है। आहुति दिया तो वो मरी नहीं उसमें, वो शरीर जला नहीं है, उल्टा वो शरीर और दिव्य हो गया, दिव्य शरीर धारण किया, प्राप्त किया उसने, और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला भी उसमें आ गए शरीर में, उसको पहना दिया गया सब भगवान की कृपा से। और उसके बाद वो बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग लोक को ही चली गई, साकेत लोक लिखा है ब्रैकेट में सर, तो अपने जिस भी लोक जाना चाहती थी वहां और चली गई बिजली के समान चमकते हुए। संस्कृत भाषा में कह रहे हैं विराजयंती तन देशम विद्युत सौदामिनी जथा। सौदामिनी नाम मुझे बहुत सुंदर है, कुछ लड़कियों का नाम होता है सौदामिनी, पुराने जमाने की लड़कियों का नाम सौदामिनी रखते थे, तो बिजली की तरह जो चंचल है स्त्रियां, चल लड़कियां तो होती हैं चंचल स्वभाव, तो सौदामिनी की तरह वो बिजली की तरह चमक करके वो वहां चली गई। उसके बाद फिर भगवान अपने रास्ते गए। तो सबरी का ये विवरण है, तो कोई ऐसा ना कहे आगे, जो लोग भी तुम लोग इस बात को देखोगे या समझ पाओगे तो कभी ये मत सोचना या मत कहना या मत मानना कि सबरी कोई झूठा बेर करके उसको दिया। खाली बेर की नहीं कह रही है, वो कह रही है पंपा तट पर जितने भी फल मूल मुझे मिले हैं तो वो सब मैं ला करके आपके लिए रखी हूँ। खिलाने की बात किसी श्लोक में नहीं है कि क्या वो खिला रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान लिए होंगे, खा पाए होंगे, प्रसाद पाए होंगे भगवान, उन्हीं की लाके वो अर्पण किया है। अर्पण करने तक का विवरण है, खाने का या खिलाने का विवरण साक्षात नहीं है, लेकिन हम उसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा हुआ होगा। तो खाली बेर नहीं था, फल मूल था, सब तरह के फल मूल थे, बेर भी हो सकता है होगा उसमें, लेकिन बेर का उल्लेख नहीं है कहीं स्पष्ट रूप से। और सबरी कोई झूठा करके बेर भगवान को नहीं खिलाया, इतनी मूर्ख नहीं थी। मैंने ये बात कहा है पहले भी कि जैसे बहुत सारे भजन कीर्तन या गीत में भगवान के लिए जो गाए जाते हैं, भगवान को तू तड़ाक करके गाते हैं भक्त लोग, मैं भी गा देती हूँ उसको, क्या करूँ, ऐसे गीत बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो कई बार मुझे भी गाना पड़ जाता है, लेकिन मेरा तो भगवान जानते हैं, समझते हैं कि हमारा सब लीला पूर्वक सब होता है, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। मैं अपने स्वामी को भगवान श्री कृष्णचंद्र को एकदम पूरे सम्मान के साथ जो गीत गाती हूँ, भजन गाती हूँ, तो उसमें पूरा सम्मान की बातें हो, तू तड़क वाली बात मुझे पसंद नहीं है। वो मेरे स्वामी लीला में समझ लेते हैं, वो बुरा नहीं मानते हैं बिल्कुल, ये उनकी अपनी विलक्षणता है या कृपा है ये मुझे ठीक। वो इवन जो विनोद अग्रवाल ने गाया है बड़ा सुंदर एक गीत है, जो कि जैसे कि वो मेरे लिए ही लिखा गया हो, हालांकि वो मेरे से नीचे स्तर की स्थिति है उसमें वर्णन। मुझे मिल गए मन के में ये दुनिया क्या जाने, विनोद अग्रवाल ऐसा नहीं गाता, वो मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीन ये दुनिया क्या जाने, मेरी श्याम संग हो गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तो मिल गया मन का मीन नहीं, मैं कहती हूँ मुझे मिल गए मन के मीन
ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मेरी श्याम संग हो गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी श्याम संग हो गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने छवि देखी मैंने श्याम की जब से भई बारी मैं तो तब से इस तरह के बहुत सुंदर गाना तो सम्मान से सम्मान मेरे पतिदेव हैं मेरे स्वामी हैं वैसे भी सबके स्वामी हैं और सबके पतिदेव भी हैं अगर कोई लड़कियां जितने भी हैं सबके पतिदेव वही हैं सबके सब कुछ वही हैं माता पिता पति सब कुछ वही हैं तो सबरी के बारे में ये मिथ्या प्रचार करना बंद करें लोग और जो सही स्थिति है उसको समझते हुए वाल्मीकि रामायण को आधार बनाए और सबरी की ऊंची स्थिति की कल्पना करो तुम लोग गीत तो गा लेते हो लेकिन तुम उसके कहीं कोने के भी बराबर नहीं हो उसका नजदीक भी नहीं पहुंच सकते हो तुम सबरी की ऐसी स्थिति बहुत उच्चे दर्जे की साधक तपस्वी थी जिसका सब कुछ सिद्ध कर दिए थे भगवान स्वयं प्रमाणित कर दिए थे और सब कुछ जानते हुए भी भगवान उससे प्रश्न कर रहे हैं बाधा विघ्नों के बारे में सुख दुख के बारे में मन में अशांति तो नहीं है तुम्हारे ऐसा पूछ रहे मुझे लग रहा है जैसे कि मुझसे बात पूछे तो मैं भी थोड़ा सा बताऊं भगवान को पूछ लेकिन हमारा सब पूछना पछना जवाब उत्तर देना सब हो चुका है बहुत समय हो गया अब तो भगवान की प्राप्ति हुए 2003 से 2014 11 वर्ष तो हो ही है 12 वर्ष में एक युग हो जाएगा चलो तो ये स्थिति है सबरी की और सबरी की पढ़ो वाल्मीकि रामायण में पढ़ो अरण्य कांड में जाओ और जो अध्याय मैंने बताया है उसको पढ़ो सर्ग 74वां सर्ग को पढ़ो खुद पढ़ो स्वयं पढ़ो और उसको समझो उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन है गीता परिषद वाले संस्कृत भी है और हिंदी भी है तो इसलिए कोई असुविधा नहीं है उसको समझने और ये सनातन धर्म की महिमा है ये कि भगवान स्वयं अवतार लिए हैं एक उद्देश्य के लिए रावण को मारने के लिए जो भी उनका उद्देश्य है उसके लिए उसमें एक उद्देश्य ये भी वो काम पूरा हो गया एक काम और भी पूरा हो गया सबरी वाला कि यहाँ पे लोग सारी दुनिया में ये दुष्प्रचार कर रखे हैं कि यहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ वेबसाइट्स वगैरह में जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उसमें लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि ये जाति प्रथा जो है ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए फलाना डिमांग तो कहाँ जाति प्रथा है जब एक सबरी जैसे वर्ण बाह्य जिसको कहा गया है स्त्री की इतना सम्मान भगवान कर रहे हैं कि भगवान चरण छू रहे हैं उसके पहुंच के उसके आश्रम में पहुंच के पहला काम भगवान राम और लक्ष्मण दोनों यही उसके चरण छू गए ऐसा कहाँ हो सकता है किसी के और भगवान को याद करके किसी का चरण स्पर्श किए हैं उनका कोई इतिहास है उनके पास ये तो इतिहास है रामायण हमारा तो भारत को समझना इतना सरल नहीं है कि तुम तो स्ट्रेट लाइन में लाइन खींच दिए कि ये तो जाती है ये जाती है वो बात ही नहीं करते हैं मिलते नहीं है बैठते नहीं तो हम जानते हैं हम गांव के रहने वाले हैं बच्चे थे उस समय 4-5 वर्ष के रहे होंगे लेकिन फिर भी हमारे आंखों में और स्मृति में मेमोरी में अभी भी वो बातें संचित है हम देख पा रहे हैं अभी भी वहां का दृश्य मन की आंखों से और कि वो ब्राह्मण होते हुए भी जो हमारे परिवार में संबंधित होकर के पुरखों से जो सेवा कार्य कर रहे हैं शूद्र हो उनके साथ एकदम परिवार जैसा व्यवहार एकदम परिवार वो औरत को नाम तो अभी देखिए मेरे जीवा पे आ गया कुंदो उसका नाम थी वो औरत का एक कंगालू था कंगालू जब हम 4-5 वर्ष के थे कंगालू रहा होगा 15-16-17-18 साल का होगा जब से उसकी माँ कुंद घर के अंदर का सब काम सेवा करती थी हमारे जो ग्रैंडफादर थे ग्रैंड मदर जो हमारी थी लक्ष्मी देवी उनका नाम माँ आई ओडिया में कहते हैं ओजा और आई ओजा मतलब ग्रैंडफादर आई मतलब ग्रैंड मदर पिताजी के साइड की पिताजी के पिताजी के माता जी हमारे वो लक्ष्मी जैसी थी वो
उनका नाम भी लक्ष्मी था और थी भी लक्ष्मी ऐसी, इतना बड़े जमींदार की धर्मपत्नी होते हुए भी उनमें कोई अहंकार या आडंबर या घमंड कुछ नहीं था। वो चूल्हा जलाती थी, खाना पकाती थी अपने पति के लिए, बाकी जो भी है सबके लिए, और ये कुंडा जो है उनको रसोई में और चाहे पास पास रहती थी और मदद करती रहती थी, सब्जी काट देना, ये करो ला देना, पानी ला देना, वो सब तो करती थी, करते वही थे सब। और गोबर से लेपते थे वो चूल्हा को, मुझे अभी भी स्मरण है, शुद्धिकरण होता है गोबर से, वो मिट्टी का चूल्हा बनता है और मिट्टी की हांडी में सब खाना बनता था उस जमाने में, और मिट्टी का हांडी हांडी आज भी लोग मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर है, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उसमें प्रिजर्व रहता है, नष्ट नहीं होता है मिट्टी के बर्तन में, और प्रेशर कुकर में सब नष्ट हो जाते हैं, दूसरे बर्तनों में थोड़ा बहुत नष्ट होता है, लेकिन मिट्टी के हांडी में ऐसी दिव्यता है, धरती माता जी का पृथ्वी का चमत्कार है कि वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट सब प्रिजर्व करके रखता है, कोई नष्ट होने नहीं देता, तो वो उसमें खाना बना देते, सेवा कर देते। तो ये कुंभ एकदम पारिवारिक सदस्य है, उसका सुख दुख सब 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 जिम्मा ले रखे थे हमारे परिवार वाले सब, कभी हो ही नहीं सकता उसको, कोई समस्या नहीं हो सकता उसको, निर्धारित मात्रा में जो अन्न पैदा होता था, धान ज्यादातर होता था, वो धान सब उसको उनको मिलता था, नाप करके तय हो रखा था इतना उसको देंगे, और वो पर्याप्त होता था। तो ये दुष्प्रचार ना करना कभी भारत के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोग बहुत उदार, खास करके गांव के लोग जो हैं, गांव के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी हो जाए तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है, गांव की किसी बेटी का अगर विवाह हो रहा है तो पूरा गाँव खड़ा हो जाता है, हमारी बेटी। तो आजकल नाना प्रकार का पॉलिटिक्स जब राजनीति आ गया है तो उसमें थोड़ा सा गुटबाजी हुआ है, नष्ट हुआ है कलयुग के कारण, धीरे धीरे और घोर कलयुग आता जाएगा तो और भी विकृतियां आएंगी, इससे मैं सहमत हूँ इस बात से, मुझे मालूम है ये बात, शास्त्र में ये बात समझाया गया है और चेतावनी दिया गया है, लेकिन मेरा भारत महान, मेरा गाँव महान, मेरा मिट्टी महान, मेरा वातावरण महान, मेरा आचार व्यवहार संबंध मनुष्यों का महान, मेरा शास्त्र महान, मेरा धर्म महान, सनातन धर्म महान धर्म, ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि भगवान इतनी कृपा किए, सनातन धर्म में ब्राह्मण कुल में नैष्ठिक ब्राह्मण नैष्ठिक देव स्वरूप पिता माता के परिवार में साथ में हमको ला के पहुंचा दिए, और जिससे कि हमारा आज जितना मेरे आध्यात्मिक कल्याण जो भी कुछ हुआ है ये आधार मेरे पिता माता का है, वो मुझे बचपन से मैंने जैसे उनको देखा है उनको उनसे सीखा है, कुछ तो वो सिखाए हैं, जरूर बच्चों को छोटे बच्चों को सिखाते रहते हैं तरह तरह के, बाकी हम देख करके सीखे सब, उनका उठना बैठना, कैसे त्याग किए, कैसे बलिदान कर रहे हैं, कैसे सच्चाई में रह रहे हैं, कैसे किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं दिखाई पड़ती है, तो कैसे संस्कार नहीं बनेगा, तो उन्हीं की कृपा से आज मैं भगवान की कृपा मुझे मिला है आदि गुरु। और एक बात और अभी स्मरण हो रहा है, तुरंत बता दिया जाए इसको, रिकॉर्डिंग में आ जाए तो बाद में किसी का काम आएगा सुनेंगे और आश्चर्य होंगे, बचपन में जब छोटे थे वो चौथी श्रेणी में पढ़ते थे, चौथी पांचवी में पढ़ते थे उस समय, तीसरी जो हाँ चौथी पांचवी की बात है, तो वो रात को उठा करके बच्चों को पेशाब करा लेते थे जाके जहाँ पे जगह है बिस्तर से उठा करके, आधी रात को लगभग पिताजी ऐसा एक दिन किए थे, ज्यादातर तो माँ करती थी तो पिताजी एक दिन ऐसा किए, तो जब उठ करके गए मैं मुझे ले गए बाहर, तो खड़ा होकर के मैं उनके सामने ऐसे हाथ ऐसे करके मैं खड़ा हो गया, छोटा बच्चा देखिए 4-5 साल का ऐसे ऐसे करके अंजलि अंजलि बना करके उनके सामने खड़ा हुआ, जैसे कि कोई चीज मांग रहा। तो बाद में ये बात मुझे माँ बता रही थी, पिताजी माँ को बताए होंगे कि ऐसे किया देवन ऐसे किया उनके, तो माँ उसे कह रही थी ऐसे तुम करके ऐसे खड़े हो गए वहां, उड़िया में बता रही थी। तो वो भी नहीं समझ पाए कि क्या मांग रहा था, कुछ मांग रहा था क्या, ऐसा वो अपना अनुमान लगाए,
लेकिन आज मैं उस बात को समझ गई, भगवान मुझे समझा दें। वो गुरु है पिता, आदि गुरु, प्रथम गुरु तुम्हारे इस जीवन का पिता माता। तो उनके सामने हाथ अंगुली मांग के फैला के खड़े होंगे तो क्या मांगे? आशीर्वाद मांगे ना, आशीर्वाद ही मांग रहे, दूसरा कुछ ही नहीं मांग रहे। उनका आशीर्वाद मेरे पर था, हमेशा से था, मुझे मालूम है थ्रू आउट। वो कहते नहीं थे हमें ज्यादा, वो ऐसे पिता हैं जो कि कभी भी अपने मुंह से किसी बात के लिए कोई आदेश नहीं दिए कि मुझे ये चीज चाहिए ला करके दे दो। हम अपनी तरफ से सोच विचार करके जितना हो सकता था समझ सकते थे उनके सेवा करते थे। कश्मीर में गए थे तो कश्मीर में एक साल बढ़िया साल उलन का लेकर के आए थे पिताजी। वहाँ फिर पिताजी को कश्मीर ले गए थे तो फिर उनका वो जूता जो पहने थे बहुत नया नहीं था, पुराना था थोड़ा सा, तो उनको ले गए एक दिन और जूता के दुकान में जूता खरीद लिए, मोजा, नया जूता, मोजा ये सब खरीद के तो मना भी नहीं करते और अपने तरफ से कुछ भी नहीं मांगते। ऐसे बहुत ही सुंदर उनका व्यवहार, बड़ी कृपा उनका हमारे ऊपर कि आज हम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं ऐसा कहने में समर्थ हो रहे हैं। भगवान की कृपा तो, मेरे स्वामी की कृपा तो खैर असीम कृपा, अनंत कृपा, उनका तो कोई इतना भी वो कंजूसी नहीं किए हैं मेरे साथ और सब कुछ दे दिए। तो पिता माता के आशीर्वाद से आज हम स्थिति में पहुंचे हैं और बड़ा ही क्या कहें, अब तो वो गौरवान्वित अनुभव करने की स्थिति ही नहीं है। जब संसार में मनुष्य रहता है तो बहुत सारा गौरव का अनुभव करता है वो, लेकिन हमारी अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो जो हैं बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छी स्थिति है और बड़ी कृपा भगवान की, ऐसा समझ में तो आ जाता है और हम उनके जैसे हो गए, भगवान के जैसे हो गए ऐसा। तो सनातन धर्म और भारतवर्ष चाहे छोटे छोटे राज्य बना करके ये लोग राजा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसके कारण विदेशी शत्रु चाहे पुर्तगीज हो, चाहे अफगानिस्तान वाले हो, चाहे मुगल हो, ये सब आक्रमण करके सबको परास्त करके सबका राज्य छीन करके शासन करने लग पड़े थे। ये एक काला इतिहास है, परंतु वो उनको यही अपना था, उनको सजा मिलना था, दंड मिलना था, भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया और ऐसा हुआ। लेकिन आज वो सब यहाँ पर कोई नहीं है और ये सरदार पटेल की मेहनत का और दूरदर्शिता का फल है जो आज हम लोग खुशी से एक बड़ा राज्य राष्ट्र भारतवर्ष के नाम से जाने समझे जाते हैं और एक बड़ा काफी बड़ा देश हमारा बन गया है एक होकर। यहाँ छोटे छोटे राज्य अब नहीं है। जो लोग कुछ विरोध कर रहे थे उनको किसी तरह से डरा धमका करके और मना बुझा करके उनको शामिल सबको करा लिया गया है। अब कश्मीर बिना वजह और पाकिस्तान का बंटवारा बिना वजह हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब बिना कारण हमारा देश को टुकड़ों में कर दिया गया और अलग राज्य राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। ये बहुत बहुत ही नासमझी बेवकूफ़ी वाली बात थी और इसके लिए किसी को दोष क्या दे सकते हैं? आध्यात्मिक स्थिति में रहने के बाद तो दोष देना ही बंद हो जाता है, परिस्थितियां जो बनी होंगी बनी होंगी, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। ये बृहद भारत की अगर संकल्प कोई करता है तो वो इन देशों को नहीं देखेगा, ये सब भारत में मिला हुआ रहना चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर के, बर्मा को लेकर के, बर्मा भी इसमें शामिल होना चाहिए इस देश में, तो वो बृहद भारतवर्ष होता। हमारे तो चक्रवर्ती राजा होते थे, पूरे विश्व में राज अपना शासन करते थे, ऐसे हमारा राजा रह गए हैं, हो गए हैं, चक्रवर्ती राज्य राजा हो गए हैं। और कब ये टूटना फूटना, छोटे छोटे राज्य बने, उसका इतिहास हमको ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी जो भी हो भारत वर्ष पर सबको अभिमान होना चाहिए और अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि भारतवर्ष में हमारा पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है।
चाहे जितने भी, जैसे गंगा जी, गंगा जल में तुम लोग जितना भी हल्ला मचा रहे हैं, लोग साधु संत भी हल्ला मचा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कि वो बहुत गंदा हो गया है, पानी पीने लायक नहीं है, और वैज्ञानिक लोग अपने अपने रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये पानी पीने से फलाना बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, दिमागा हो जाएगा, फलाना कुछ नहीं। हमारी गंगा जी में श्रद्धा एक रत्ती भर भी कम नहीं होगी। हम तो गए थे गंगा जी में, अभी 6-7 महीना हो रहा है, गंगा जी में जा करके 8-10 जरिकन ले गए थे 5 लीटर वाला, और उसमें सब भर भर के जंगल गंगा जल ला करके रखे हैं, और वो 8-10 साल तक चलेगा ही। वो हम पीते हैं बिना गंगा जल के, हम पानी नहीं पीते हैं कभी। जब से साधना चला है तब से, 1991 के बाद से बिना गंगा जल के हम जल अब नहीं लेते। इसलिए बाहर जल वल पीना में थोड़ा सा हमको ये होती है, असुविधा होती है, लेकिन पी लेते हैं, आवश्यक है तो जल तो पीना ही। लेकिन भगवान की कृपा है इसलिए हमारा ज्यादा भ्रमण भी नहीं होता इधर उधर, कहाँ जाके भटकोगे। यहाँ पे सब चीज सुलभ है। तुलसी जी हमारे आंगन में सामने सामने ही तुलसी जी भरे हुए हैं पूरे। तुलसी वन का नियम तभी से है जब हमको इस बात की महिमा की, तुलसी महिमा की जानकारी हो गई। पद्म पुराण आदि में बहुत विस्तार से दिया गया। वैसे भी जब कोई भी वैष्णव हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जब चला जाएगा, तो तुलसी का ज्ञान कैसे नहीं होगा उसको, अपने आप भगवान दे देते हैं। तो तुलसी वन जहाँ जहाँ भी हमारा पोस्टिंग रहा सर्विस में, जब थे सेवा में IPS में, जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ वहाँ तुलसी वन लग जाता। हम तुलसी जी की सेवा करते थे, पानी देना, उनको स्नान कराना, उनकी मिट्टी लेकर के नहाना, उसी मिट्टी को लेप करके शरीर में नहाना, इस तरह के सब नियम बन गए। आज भी वो नियम है, स्नान भी तुलसी जी की कृपा से स्नान भी होता है। तुलसी और आंवला, आंवला के पौधा भी हमारे यहाँ है भगवान के मंदिर में। आंवला से नहाने के पानी में आंवला डाल दीजिए और उसे स्नान करिए, बिल्कुल दिव्यता का अनुभव हो जाएगा जैसे हमको है। तो सबरी प्रकरण समाप्त करते हैं, बहुत सारे और बातें भी हो गई, अच्छी बात है। भगवान की जितनी चर्चा करो कम लगता है समय पता नहीं चलता है कैसे निकल जा रहा है। उनकी जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।